बहुत बहुत स्वागत है आपका MySQL सीखने की सीरीज में। और आज का दिन नया साल जैसा कि माना जाता है, तो 1 जनवरी है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई नए साल की। और इसके साथ ही आज की ये वीडियो खास है क्योंकि तो बहुत आसानी से MySQL में आपको नंबर मिल सकते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैंने उठाया है। अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया राइट एसक्यूएल कमांड फॉर B to G। तो B से G तक तो नहीं है, मैंने एक ही क्वेश्चन इसमें B वाला लिया हुआ है। अच्छा, दिया हुआ है टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट्स ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो देखिए, यहां पर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बाद नाम लिखा हुआ है, और फिर एज है, फिर डिपार्टमेंट का नाम है, देख रहे हैं, और यहाँ पर डेट मेंशन की गई है, और यहाँ पे चार्जेस हैं, और यहाँ पे जेंडर है, सेक्स है इनका। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा सेम जो है मैंने माई एसक्यूएल पे बनाया है। तो ये देख सकते हैं, यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, देखिए यहां पर ये बना हुआ है ना। अब सेम वही रिकॉर्ड यहां पर भी है, तो क्वेश्चन क्या कहता है उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा ये है, ये देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के सारे पेशेंट के नाम शो कराने हैं, ठीक है। तो करेंगे कैसे, तो यहां पर सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे, सेलेक्ट इस तरीके से लिखेंगे, सेलेक्ट, ठीक है, और फिर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एस्टेक सिंबल लगाएंगे, जैसे कि हम लगाते हैं। कहां से सेलेक्ट करना, उस टेबल का नाम देंगे, ठीक है। तो हमारा टेबल का नाम जो है हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल टी, हॉस्पिटल टी दिया है हमने, तो वो हमने दे दिया। अब क्या करना है, अब यहां से आपको क्या करना है, यहां पे वेयर यूज कर लेना, वेयर, ठीक है, क्या यूज कर लेना, वेयर। तो यहां पर लिख देता हूं वेयर। अब यहां पर वेयर क्या है, तो वेयर अब हमको चेक करना है कि डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ठीक है, तो यहां पर डिपार्टमेंट लिखा, डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू दे दिया, और यहाँ पे डिवाइडेड कॉमा में दे दीजिए वो डिपार्टमेंट का नाम। तो हमें डिपार्टमेंट का नाम क्या देना है, तो हमें देना है कार्डियोलॉजी, तो यहाँ पे कार्डियोलॉजी दे दीजिए, कार्डियोलॉजी, बस इसे तरीके से दे दीजिए कार्डियोलॉजी, और हो गया काम, यहाँ पे टर्मिनेट कर दीजिए, ठीक है ना। और अब एंटर कर दीजिए, तो जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की पूरी डिटेल आ जाएगी। तो आपको और कुछ नहीं लिखना रहेगा, खाली हेतन है लिखना रहेगा। देखिए यही है ना, ये 2 नंबर 3 नंबर का ये वो होता है, 2 नंबर का मान लीजिए होता है, एक एक छोटा सा इतना सा लिखना है, सोचिए, ठीक है ना, देख रहे हैं एकदम आसान है कि नहीं। एक बार इसको चेक करते हैं, देखिए यही क्वेश्चन था ना, यहाँ पे देखिए टू शो ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। अगर मान लीजिए कुछ और कह दिया जाता, ठीक है, जैसे कुछ और में क्या कहा जाता, मान लीजिए कि सारे मेल वाले जो है उनका आप रिकॉर्ड शो कराइए, या फीमेल वाले का रिकॉर्ड शो कराइए, तो यहाँ पे लिखिएगा सेलेक्ट कमांड, ठीक है, सेलेक्ट लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, SELECT, सेलेक्ट, कहां से सेलेक्ट करना है उसका नाम जरूर दीजिएगा। तो फ्रॉम कहां से सेलेक्ट कर रहे हैं हम, हॉस्पिटल टी, तो यहां हो गया हॉस्पिटल, और यहां पे लिख दिया टी, हॉस्पिटल टी, और यहां पे वेयर लिखेंगे, और अब इस बार क्या करेंगे, यहां पर SEXX इज इक्वल टू, तो यहां पर देखिए यहां पर हमें क्या चाहिए, फीमेल चाहिए या मेल चाहिए, जैसे मान लीजिए फीमेल चाहिए तो एफ कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे टर्मिनेट कर दीजिए और एंटर करिए। देखिए खाली फीमेल वाले का नाम आया, देख रहे हैं, रवीना, केतकी, अंकिता, जरीन, तो ये सारे फीमेल्स हैं, देख रहे हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं, बड़ा आसान है, समझ रहे बात को। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह की चीजें आपसे हो जाएंगी, और ये बड़ा आसान है, ठीक है ना। तो मुझे बताइएगा कॉमेंट में अगर कोई दिक्कत होती हो, तो वैसे अच्छा ही लगेगा, ठीक है, ओके।